हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम, मैं हूं पाल पुनीर और आप देख रहे हैं इंस्टा स्टॉकर। इंस्टा स्टॉकर एक ऐसा शो जहां हम आपको आपके फेवरेट स्टार्स की हर एक्टिविटी से रूबरू कराते हैं, सोशल मीडिया पर स्टार्स की एक्टिवनेस का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहाँ कहाँ कैप्चर किया। Let's start with our new segment, Insta Alert, और आज के हमारे शो की शुरुआत करेंगे अब तक के सबसे बड़े अलर्ट के साथ। हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने का जिम्मा उठाया है और सभी ने इकट्ठा होकर एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल इस वीडियो को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में बिग बी, रणबीर, माधुरी, वरुण, अर्जुन, आयुष्मान और शिल्पा शेट्टी नजर आ रहे हैं और सभी पूरी दुनिया को खुद सेफ रखने का मैसेज दे रहे हैं। किस तरह से खुद को डेडली कोरोना से बचाया जा सकता है, आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ वीडियोस शेयर किए हैं। इन वीडियोस में पहले तो आप उनकी कैट को देख सकते हैं जो लैपटॉप के पास लेटी हुई है। इस वीडियो के कैप्शन में जैकलीन ने लिखा है, वर्किंग हार्ड फ्रॉम होम। वहीं कुछ अगली वीडियोस में जैकलीन कुछ ना कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताती नजर आ रही हैं और आपकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है उसके बारे में भी बता रही हैं। It and who was, you know, kind of not really understanding or knowing what to do during this. In fact, Sunny Leone ने भी एक अच्छा तरीका अपनाते हुए सभी को COVID-19 से बचने की सलाह दी है। दरअसल सनी लोनी ने अपनी इस वीडियो में फैंस को बताया है कि अगर वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मैसेज पाना चाहते हैं तो एक लिंक पर टैप करें और साथ ही WHO के चलते खुद कोरोना की चपेट से दूर रखें। चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी या आपके फ्रेंड की वेडिंग, यू कैन गेट देम बाय लॉगिंग ऑन टू द wish.com एंड ऑल फंड्स रेज्ड विल बी डोनेटेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट। नेहा शर्मा ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी में एक वीडियो शेयर की है और उन्होंने सभी से एक सवाल किया है। दरअसल इस वीडियो में आपको बेहद ही खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इन फ्लावर्स को टच करने से भी नेहा को डर लग रहा है। कैप्शन के साथ नेहा ने सवाल किया है कि क्या फूलों को रिसीव करना सेफ है। कोरोना वायरस का कहर इस कदर फैलता जा रहा है कि हर कोई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। And now let's talk about our new segment, Insta Free. All knows corona ka asar har taraf dekha ja raha hai. Desh ke PM ne bhi sabhi ko safety baratne ki salah di hai. Lekin free time hai to aise mein hamare stars ise kaise fulfill kar rahe hain ye dekhiye. Varun Dhawan apne free time mein cooking karte dikhai de rahe hain. Varun ne omelette banaya hai jo dikhne mein bhi shandar lag raha hai. Varun ki cooking skills dekh kar lagta hai ki janab khana bhi acha hi बनाते होंगे। I used to cook a lot actually when I was in university and now trying my hand at it again. जाह्नवी कपूर ने भी इंस्टा स्टोरी में कुछ वीडियोस और पिक्चर्स शेयर की हैं। दरअसल जाह्नवी की छोटी बहन इंडिया वापस लौट चुकी हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते फिलहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्लोज है, तो ऐसे में जाह्नवी और खुशी के लिए ये बेस्ट टाइम साथ में स्पेंड करने का है। एक वीडियो में खुशी का मेकअप किया जा रहा है जो काफ़ी फनी भी है। वहीं जाह्नवी ने एक पेंटिंग की पिक्चर और वीडियो भी शेयर की है। नीतू कपूर ने भी एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया है। दरअसल इस वीडियो में हमारे चिंटू जी यानी ऋषि कपूर योगा करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ऋषि कपूर ने अपने फोन को स्क्रीन से कनेक्ट कर वीडियो देख देख कर उन्हीं की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऋषि कपूर के इस मोमेंट को वाइफ नीतू ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। च
चलिए अब आपको दिखाते हैं क्विकली सेनिन की अदाएं. जी हाँ, फ्री टाइम को मिस सेनिन अपनी डांसिंग के लिए यूज कर रही हैं. कृति ने अपनी एक डांस वीडियो शेयर की है. कृति कजरारे कजरारे गाने पर अपनी अदाओं के जलवे दिखाती नजर आ रही हैं. डांस के दौरान कृति ने इंडियन अटायर कैरी किया हुआ है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत भी लग रही हैं. डेडली कोरोना के चलते सभी स्टार्स अपने अपने घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी चीज़ है जिसके बिना शायद ही रहा जाए. वल इस बात का सबूत आपको दिखाते हैं. दरअसल करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा और मलाइका अरोड़ा तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस पर वीडियो कॉल करती नजर आ रही हैं. इस चैट टाइम का स्क्रीनशॉट लेकर करीना ने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है. बेबी डॉल यानी सनी लियोनी ने भी अपनी खाली वक्त को यूज करने का पूरा मन बना लिया है. सनी एक बेहतरीन डांसर के साथ एक अच्छी आर्टिस्ट भी हैं. दरअसल सनी ने दो वीडियो पोस्ट की हैं, जिसमें वो कैनवस पर पेंटिंग करती नजर आ रही हैं. इस पेंटिंग को बनाते वक्त आप देख सकते हैं कि सनी कितनी सीरियस हैं. और अब बात हमारे स्पॉटेड सेगमेंट की. इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं कौन से स्टार्स हुए कहाँ कैप्चर. तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान. मिस खान बीते दिन एयरपोर्ट पर कैप्चर हुई. सारा इस मौके पर ब्लैक कलर के ट्रैक सूट पैंट में नजर आई और मास्क पहने वॉक करती हुई कैप्चर हुई. दरअसल सारा फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग करके वाराणसी से लौटी हैं और अब अपने काम से ब्रेक लेकर घर पर ही रहने वाली हैं. सारा के अलावा अनुपम खेर भी मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए. अनुपम मुंबई लौट आए हैं और सेफली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखे. बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा भी हमारे कैमरे में कैप्चर हुई. मिस शर्मा बांद्रा के क्लिनिक के बाहर नजर आई. चेहरे पर मास्क पहने ब्यूटीफुल किम इस क्राइसिस के टाइम में किसी पर्सनल डिजीज के चलते डॉक्टर से मिलने पहुंची थी. फिल्में रिलीज़ हो जाती हैं, लेकिन स्टार्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करना नहीं छोड़ते हैं. जब जब मौका मिलता है वो अपनी फिल्मों की बातें भी ज़रूर करते हैं. कंगना रनौत की फिल्म पंगा काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी है. फैंस से भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था. अब ये फिल्म आप हॉटस्टार VIP पर भी देख सकते हैं. कंगना ने एक मोशन पोस्टर शेयर किया है और फैंस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है. रिसेंटली ऑल्ट बालाजी पर रिलीज हुई वेब सीरीज मेंटल हुड को सभी का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. करिश्मा ने इस वेब सीरीज के साथ फिर से कमबैक किया है और हर तरफ से इस वेब सीरीज की स्टोरी को तारीफें भी मिल रही हैं. ऑल्ट बालाजी के ऑफिशियल अकाउंट ने कुछ वीडियोज शेयर की हैं और अपनी वेब सीरीज का प्रमोशन भी किया है. जिन जिन लोगों ने सीरीज के डायलॉग्स पर वीडियोज बनाई हैं. Because as a mother, we have to do so many crazy things. And one thing of my daughter that drives me to Mentalhood is... वहीं दो दिन पहले आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का साथ में पहला सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसे सभी के जरिए पसंद भी किया जा रहा है. इस गाने को आवाज दी है नेहा कक्कड़ ने. नेहा की आवाज में गाया हुआ गाना हिट की लिस्ट में जगह बना ही लेता है और आसिम और हिमांशी की केमिस्ट्री को सभी काफी पसंद भी कर रहे हैं और इंस्टा पर शेयर भी कर रहे हैं. स्टार्स के जरिए शेयर की गई वीडियोज का स्क्रीनशॉट को आसिम ने अपनी इंस्टा स्टोरी में भी शेयर किया है.